गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्य के तो डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह हम लोग आज की क्लासेस में भी जो है अपने 15 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो जल्दी से आ जाइए, अपने एक बार लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन बोर्ड पे कुछ दिख रहा है। क्वेश्चन हमारा पहला इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल भी हमारा यही क्वेश्चन था कि विटामिन ए का जो है वो प्रचुर स्रोत कौन सा है, लेकिन उसके अंतर्गत जो है वो ऑप्शन जो थे वो कुछ अलग थे, आज ऑप्शन कुछ और है। तो अभी हमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें से राइट है, किसमें जो है विटामिन ए की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। बताइए, सेब, पपीता, अमरूद एंड आम, किसमें जो है वो सबसे अधिक होगा। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको जो है वो पहले करवा चुका हूँ। कृष्णा, जय कृष्णा भाई, राजपूताना, ठीक है भाई, डी आंसर आ रहा है। जल्दी आ जाओ भाई, सौरभ नेगी, रितेश राज, जय हिंद। चलो जय हिंद भाई, जय हिंद। अपना जो इसमें है कि भाई विटामिन ए के जो है वो प्रचुर स्रोत कौन सा है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आम जो होता है ना उसके अंतर्गत विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, और विटामिन, अगर कि सर मैं आम क्यों खाऊं, अब के आम तो सर गए प्रो के, आम की सीजन तो जो है वो गई, कि मान लो सर्दियों में आम कहाँ से आएगा। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आम में जो है विटामिन ए होगा, आम के साथ में और भी बहुत सारे जो है मटेरियल है जिसके अंतर्गत विटामिन ए पाया जाता है, तो हम लोग वो खा लेंगे, आई बात समझ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा कहाँ है, तो विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो आम में होती है, बराबर ना, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, कि अगर विटामिन ए नहीं लूंगा तो क्या होगा, तो भाई रतौंधी रोग हो जाएगा, ये भी चीज ध्यान में रखना, ये आंधा हो जाएगा, 6 बजे के बाद तुझे दिखाई नहीं देगा, आई बात समझ में, तो ये चीज होगी। ओके, तो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ध्यान में रखना है, इसमें अपना जो क्वेश्चन जो राइट है इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, डी आंसर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। ओहो अच्छा, तो भाई मानव शारीरिक संरचना यानी कि अपने ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, उस जो सीखा जाता है उस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीमेटोलॉजी तो जो होता है वो अपने हम लोग कहते हैं कि रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, ब्लड के स्टडी ऑफ ब्लड इज द कॉल्ड ऑफ हीमेटोलॉजी, तो रक्त के अध्ययन को हम लोग जो है ये बोलेंगे, आई बात समझ में। ऑस्टियोलॉजी जो होती है वो हम लोग कहते हैं अपने हड्डियों के अध्ययन को, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। एनाटोमी, एनाटोमी को आपको पता ही होगा, एनाटोमी मतलब अपने शरीर की बाह्य संरचना का अध्ययन करना, और आपने भी यही पूछा है मानव शरीर की संरचना का जो अध्ययन होता है या विच्छेदन द्वारा जो सीखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो एनाटोमी ही बोलेंगे, आई बात समझ। ये अपने ये एनाटोमी जो है वो इंग्लिश वर्ड है, शुद्ध हिंदी वर्ड में अगर हम लोग देखें ना तो इसे हम लोग कहते हैं शारीरिक की संरचना, आई बात समझ, शारीरिक की संरचना इसका शुद्ध हिंदी वर्ड है, और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं एनाटोमी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, तीसरा है, मानव शरीर में गैसों का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गैसों का शुद्धिकरण आपको पता ही, हमारे शरीर में तो सिर्फ दो गैसें होती है, एक होती है ऑक्सीजन और एक हमारे पास में होती है CO2, बराबर ना। और ऑक्सीजन का हम लोग कहते हैं जो स्थानांतरण अपने बॉडी में होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, इसीलिए तो हीमोग्लोबिन को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, श्वसनीय वर्णक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसनीय वर्णक, कि भाई अपने बॉडी में जो है वो ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, तो हम लोग कहते हैं अपने हीमोग्लोबिन होता है, बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो कुछ तो जो है वो प्लाज्मा के द्वारा अपने बॉडी में स्थानांतरित होता है, और कुछ जो होता है वो कार्बोनेट के द्वारा, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बाई कार्बोनेट के द्वारा जो है वो अपनी बॉडी में जो है स्थानांतरित होता है, बराबर ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये दो गैसें अगर साथ में हो जाए तो शुद्धिकरण कहाँ पर होगा, तो सीधी सी बात है भाई, अपने लीवर जो होता है, ये लीवर को तो हम लोग अपने शरीर की प्रयोगशाला कहेंगे, वक्र जो होता है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, रक्त का,
इसके अंतर्गत जो नेफ्रॉन होता है वक्र में, उसका प्रमुख कार्य यही होता है कि भाई रक्त का जो है वो शुद्धिकरण करना, इसलिए फेफड़े हो जाएंगे। फेफड़ों का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ओके, आपको यह पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे परमाणु के तीन मूलभूत कण हैं। परमाणु के तीन मूलभूत कण कौन से? तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमारे जो है परमाणु के तीन जो है वो मूलभूत कण होते हैं, बराबर ना। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, तो यहाँ पर ऋणावेश है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में अब ज्यादा जो है वो समझाने की जरूरत नहीं है। राइट है, यस, बी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किन किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है? प्यारे विद्यार्थियों, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता मतलब किसी को पार कर जाए, आर पार हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं भेदन क्षमता। तो जिसका, सीधी सी बात है, जिसका सबसे कम द्रव्यमान होगा वही तो, उसका ही तो हम लोग कहते हैं कि उसका ही तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता उसीमित होगी, क्योंकि जो सबसे हल्की होगी वो सबसे फास्ट जाएगा। आपको भी पता होगा कि अगर मैं कहूं कि एक 80 किलो का व्यक्ति, एक 100 किलो का व्यक्ति दौड़ रहा है और एक 50 किलो का व्यक्ति दौड़ रहा है, तो सीधी सी बात है 50 वाला जो है वो आगे दौड़ेगा, क्यों? उसका वेट जो है वो कम है, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी, ये रूल्स भी अपना यहाँ पर ही लागू होता है। अगर मैं कहूं कि द्रव्यमान जो है सबसे अधिक जो है वो किसका होगा, तो द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है सबसे अधिक होता है अल्फा, उसके बाद में होता है बीटा, फिर अपने पास में होता है गामा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका वेट जो होता है सबसे कम होता है, तो सीधी सी बात है कि भाई भेदन क्षमता भी जो है वो सबसे अधिक किसकी होगी? गामा की होगी, उसके बाद में बीटा की होगी, उसके बाद में अल्फा की होगी। यानी कि अपन ये कहेंगे कि गामा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड जितेंद्र सिंह राठौड़, रितेश राज, आर्मी बॉय, एमएस चौधरी, किशन सिंह, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। चलो भाई आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रेडियो काल, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है ना, रेडियो डेटिंग विधि, जो रेडियो डेटिंग विधि जो होती है वो किसके लिए उपयुक्त की जाती है? तो जल्दी बताइए, मृदा, स्मारक, जीवाश्म या चट्टाने, रेडियो कार्बन काल के द्वारा या इस विधि के द्वारा हम लोग जो है किसकी आयु को जो है फाइंड आउट करते हैं? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, किसकी आयु को हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे? आंसर दो भाई, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। शाबाश, चलो ठीक है। तो देखो, रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा किसकी आयु को हम लोग फाइंड आउट करते हैं? तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार मैं बता चुका हूं, जीवाश्म की आयु को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है रेडियो डेंटिंग विधि, यानी रेडियो कार्बन काल निर्धारण के, रेडियो डेंटिंग विधि, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है कार्बन का एक समस्थानिक होता है 6C14, ये अपना क्या होता है, एक कार्बन का समस्थानिक है। इस समस्थानिक के द्वारा हम लोग जो है जीवाश्म की आयु को फाइंड आउट करते हैं, बराबर ना। यानी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि में जो है किस समस्थानिक का उपयोग होता है, तो हम लोग कहते हैं 6C14 का उपयोग होता है। और फिर हमारे पास में आता है कि वो किसके, मतलब 6C14 का उपयोग कहाँ किया जाता है या कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु को फाइंड आउट करने में करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चट्टानों की आयु को ज्ञात करने में हम लोग जो है
वो यूरेनियम विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का? यूरेनियम मेथड का उपयोग करते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है, यूरेनियम विधि के अंतर्गत 92 यूरेनियम 235 का उपयोग हम लोग करेंगे, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, बराबर ना? ओके यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन है 7, ताप का एसआई में मात्र क्या होता है? भाई ये सिंपल है, बहुत सिंपल ही है, आपको बताइए ताप का एसआई में मात्र क्या होता है। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई कि ताप का एसआई में मात्र क्या होता है, मोल, एम्पियर, कैंडेला या केल्विन, क्या कहेंगे हम लोग? हाँ भाई जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। चलो ठीक है भाई, है ना, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई। ताप का जो है वो एसआई में मात्र क्या होता है, तो जल्दी से बताओ ताप का एसआई में मात्र क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि अपने प्यारे विद्यार्थियों हमें पता है कि भाई ताप का एसआई में मात्र क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। मोल तो होता नहीं है, एम्पियर हम विद्युत धारा का होता है, कैंडेला होता नहीं, ज्योति फ्लक्स का होता है, तो भाई सीधी सी बात है केल्विन होगा। आई बात समझ, एसआई में मात्र केल्विन ही होगा भाई, सीधी सी बात है, आई बात समझ। ये ताप को मापने का एक पैमाना है, बराबर, या ताप मापी है ये हमारी, बराबर ना? चलो ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और सूचना अपनी यही है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लासें बहुत लेट लगती हैं, तो आपकी सुविधा के लिए अब सत्यकेतु परिवार जो है थोड़ी टाइमिंग में जो है चेंजिंग करना चाहता है, बराबर। तो हमारी जो अगली क्लासें होगी जो सोमवार से होगी उनमें कुछ टाइम में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, आपको ज़रूर बता दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा, ठीक है? तो अपनी क्लास, अगली जो क्लास होगी वो अपने 10:30 बजे नहीं होगी, बराबर ना? तो या तो होगी 10:15 बजे होगी या 10:15 से ऊपर नीचे कभी होगी, तो 10:15 बजे आप मान के चलो। मेरी क्लास जो है वो 10:15 पे होगी, और जीके की क्लास जो है वो मेरे से आधा घंटा पहले होगी, और मैथ की क्लास जो है मेरे से आधे घंटे बाद होगी, बराबर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो यानी कि टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे सोमवार को आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। चलो ठीक है, चलो आगे चले भाई। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं हम लोग कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो कोई ज्यादा टफ है नहीं। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों सीधी सी बात है कि इसके अंतर्गत हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, राइट, है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके यस, चलो ठीक है, तो आगे चले अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि न्यूटन का पहला नियम जो है और किस नाम से जो है वो जाना जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं किस, क्या कहते हैं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर दो। हरी गोदारा, अवतल दर्पण, क्या बात है भाई, बहुत दिनों बाद दिखे हो गोदारा,
किशन कृष्णा राजपूत, ओके, सौरभ नेगी, एम एस चौधरी, रितेश राज, कृष्णा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी कि बी, ओके। जड़त्व का नियम, सीधी सी बात है कि जड़त्व के नियम से हम लोग जानते हैं, अगर प्रथम नियम है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, या फिर इसे हम लोग सेकेंड एक और नियम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गैलीलियो का नियम। आई बात, गैलीलियो का नियम, प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो के नियम से भी जो है जानते हैं, या फिर इसे जड़त्व के नियम से जानते हैं, बराबर, ओके। चलो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम जो है लागू होता है, बर्नौली का नियम, पोशियल्स का सिद्धांत, या पास्कल नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा, ओके, 10 नंबर का आंसर दो, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, ओके। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर भेजो, अब तो आप सबकी तैयारी जो है बड़ी शानदार हो गई होगी, ठीक है ना। लगभग हम लोग आज का जो अपना ये पेपर सेट है लगभग 54-55 नंबर चल रहा है। तो ऑटो मोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर दो, वेरी गुड। एम एस चौधरी, चौटन, रितेश राज, सौरभ नेगी, कृष्णा, ओके, हरी गोदारा, इंडियन आर्मी, वेरी गुड, शबाश। सबका आंसर जो है वो आ चुका है 10th में, भाई बी आंसर तो नहीं होगा। सबका आंसर लगभग एक दो को छोड़कर सभी ने जो आंसर जो है वो सी आंसर दिया है, तो सी आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी पास्कल का नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। यानी ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर पास्कल नियम जो है, सिद्धांत जो है वो लागू होता है, बराबर ना। यस, आगे चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर है, तरल पदार्थ का घनत्व तो गर्म करने से होता है, क्या होता है भाई, गर्म करने से कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, और दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है। तो भाई जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दो, ठीक है। तरल पदार्थ का घनत्व तो जो है गर्म करने से क्या होता है भाई, जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई। शाबाश, ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, 11th में ए आ रहा है, वेरी गुड, जल्दी से दो भाई। गर्म करने पर भाई डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से आंसर दो। बी आंसर भी आ रहा है, एम एच चौधरी चौटन, बी आंसर भी आ रहा है, क्या बात है। हाँ सौरभ नेगी, अरे भाई डेंसिटी पे घिसी पदार्थ को गरम करने पर, अरे क्या होता है, अरे एम एस चौधरी चौटन भाई बी आंसर कैसे देता है। हाँ अरे भाई सीधी सी बात है, डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है गरम करने पर। अब इसका एग्जाम्पल सुनो मेरे से प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जैसे कि ये पानी है, पानी से भाप बन रही है, और भाप कब बनती है, जब पानी गर्म होता है तब। तो सीधी सी बात है कि इसका पानी का जो है डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जो है वो क्या कर रही है, तैर रही है। आई बात समझ, तो तैरना, मैं कहता हूं कि पानी के ऊपर जो है ये जहाज जो है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो जहाज कब तैरेगा, जब जहाज का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होगा तब। आई बात समझ, अब ये पानी मैं कहता हूं वाष्प ऊपर तैर रही है बादल के रूप में, तो ये कब क्यों तैर रही है, तो सीधी सी बात है इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम होगा, ओके। तो पदार्थ को, तरल पदार्थ को, भाई समझ में आ गया ना। हाँ एम एस चौधरी चौटन, समझ में आया कि नहीं आया,
अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सौरभ नेगी, अब तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, अब समझ में तो आ गया ना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन नंबर 12, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, ठीक है ना, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, ब्लू जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, या ल्यूमिनस जोन, या डार्क जोन, क्या होगा भाई, जल्दी से आंसर दो इसका। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, गैस फ्लेम का जो सबसे गर्म भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेम का सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। हाँ जी, क्या बात है, हाँ, अरे क्या बात है, लॉन्ग ल्यूमिनस जोन बोलते हैं उसको, बराबर ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर ना, यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन, ये ऑप्शन ध्यान में रखना है, जो कि गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को हम लोग जो है वो कहते हैं। अधिकांश स्टूडेंट डार्क जोन कर रहे हैं, भाई डार्क जोन नहीं होता है, आई बात समझ, ऐसा मत करो, ये पॉजिटिव वे में कह रहा है और आप नेगेटिव वे में आंसर दे रहे हो। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है क्या, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा, या पेरिस्कोप। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए भाई, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है, कैमरा होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, या सिनेमा होता है, या पेरिस्कोप होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा। अच्छा, आज गर्मी ज्यादा है, हाँ गर्मी तो है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर सही दो, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आंख भी जो है वो पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होती है, तो आंख की बाती और कौन कार्य करता है, वो हमारा जो है आंसर होगा। जल्दी से आंसर दो भाई, ऐसे मत दो रे, कौन, बिहार में बारिश हो रही है सर, अच्छा रितेश राज, बिहार में बारिश हो रही है भाई, कोई बात नहीं, होने दे। चलो ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर होगा वो कैमरा होगा। अरे भाई आंख जो है, आंख और कैमरा ये दोनों एक ही तरह होते हैं ना, इन दोनों में उत्तल लेंस होती है भाई, सीधी सी बात है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित कौन होता है भाई, कैमरा होता है, बराबर। चलो ठीक है, तो ये हमारे ध्यान में रखना है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई, प्रकाश का वेग जो है वो सबसे पहले किसने मापा है, बराबर। चलो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा। ओके, ओके ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा भाई, रोमर ने मापा था। आपको पता ही है प्रकाश का वेग कितना होता है भाई, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, आई बात समझ में, सबसे अधिक कहाँ होता है भाई, निर्वात में इतना, ठीक है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलो आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, नारंगी और नीला, श्वेत एंड काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर अपने
15 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, कौन सा मिश्रण होगा भाई सबसे ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो क्वेश्चन नंबर अपने 15 का आंसर दीजिए भाई, कौन सा सुविधाजनक होगा। यस, बहुत अच्छा। ओके, तो कौन सा होगा भाई, लाल और हरा। वेरी गुड, ये डी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, डी आंसर होगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अपने जो 15 क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, अपने सोमवार को जो है अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम है वो थोड़ा चेंज होगा गर्मी की वजह से, इसलिए आप लोग नो टेंशन रहे, आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी बराबर। तो और कितना होगा, मेरी क्लास जो है लगभग 10:15 स्टार्ट होगी, फिक्स 10:15 से लेकर अपने 10:45 तक होगी। फिर भी आपको जो है एक बार अगर ऊपर नीचे होगी तो आपको एक बार सूचित कर दिया जाएगा, उसके बाद में अपनी क्लास की टाइम जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, राइट। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।